हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर गाइस। तो आज के इस वीडियो के अंदर गाइस हमारे पास यहाँ पे एक रेडमी का नोट 10 प्रो मैक्स गाइस रिपेयर के लिए आया हुआ है। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो गाइस थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम है, मतलब चूंकि कॉमन प्रॉब्लम अभी के टाइम में काफ़ी सारे फ़ोन के अंदर देखा जा रहा है, जैसे कि एम आई का नोट टेन प्रो मैक्स और एनी भी बहुत सारे सैमसंग के ऐसे सेट है जिसके अंदर इस तरीके की जो प्रॉब्लम देखी जा रही है गाइस। ठीक है, देखो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे, देखो मैं सेट को यहाँ से करता हूँ पहले ऑन। ठीक है, तो गाइस इसमें हो क्या रहा है, जब हम सेट को ऑन करते हैं तो यहाँ पे जो गाइस इसका जो एम आई लोगो है वो आता है और उसके बाद गाइस सेट ऑफ हो जाता है। ठीक है, देखो गाइस यहाँ पे मैंने सेट को ऑन करा। ठीक है, अभी ऑन होने के बाद गाइस यहाँ पे एम आई लोगो आया और गाइज ये रुकता नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अभी आपके सामने बिल्कुल लाइव मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके की इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और गाइज जो मेरे पास रिपेयर के लिए आया हुआ है, एक टेक्नीशियन का डिवाइस है मेरे पास रिपेयर के लिए आया हुआ है गाइज। ठीक है, तो इसमें जो प्रॉब्लम है पहले वो यहाँ पे आप देख लीजिए किस तरीके की प्रॉब्लम है। टेक्नीशियन का कहना है कि पहले ये कंप्लीट ऑन हो रहा था और उस कंडीशन में क्या हो रहा था, इसका जो फ्रंट कैमरा होता है, जो हमारा सेल्फी कैमरा होता है, वो ऑन नहीं हो पा रहा था, पूरा ब्लर आ रहा था। बैक कैमरा ऑन हो रहा था, फ्रंट कैमरा ब्लर आ रहा था पूरा। ठीक है, मतलब ब्लर आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था। ठीक है, जिसको हम ब्लैंक भी बोल सकते हैं। ठीक है, और अभी इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, जब इसको ऑन करते तो यहाँ पे ऑन होता है, एम आई लोगो यहाँ पे लिखा हुआ आए हुआ है और नीचे में कई बार प्रोसेसिंग भी चलती है, उसके बाद सेट क्या होता है, ऑफ हो जाता है। ठीक है, जब इसको चार्जिंग पे लगाते हैं तो चार्जिंग जो है वो रहता है, जितना चार्जिंग मोबाइल के अंदर रहता है वो शो करता है। अब चार्ज में भी लगा के ऑन करते हो तो गाइज थोड़ा सा इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ पे रुका हुआ है और ये ऑटोमेटिकली गाइज यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो इसी तरीके की प्रॉब्लम इस डिवाइस के ऊपर आ रही है, जो कि कॉमन प्रॉब्लम है, जो कि ज़्यादातर ऐसी प्रॉब्लम सीपीयू के साथ गाइज आता है। और उस टेक्नीशियन ने इसके साथ थोड़ा सा काम वगैरह भी किया है, तो इसी कंडीशन में उन्होंने मेरे साथ ये रिपेयर के लिए दिया हुआ, देखते तो कुछ भी नहीं है और ये लोगों पे आके अभी यहाँ पे ये रुका हुआ। ठीक है, तो अभी सिंपली इसको हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद देखेंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। वैसे ज़्यादातर तो सीपीयू का ही प्रॉब्लम आता है, इसको सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद इनकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। ठीक है, देख सकते हो काफ़ी देर तक यहाँ पर मैं रुका हूँ और अभी भी ये वैसा ही एम आई लोगों पर ही आके रुका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रुका हुआ, देखो गाइस यहाँ से अभी क्या हुआ, ये ऑफ हो गया, देख सकते हो यहाँ से। अब ये दोबारा ऑन नहीं होगा, इसको अब ऑन करोगे तो ऑन नहीं होगा, जब इसको कंटिन्यू थोड़ी देर प्रेस करके रखोगे तब जाके ये फिर ऑन होगा। ठीक है, इसी कंडीशन में गाइस अगर मैं फोन को चार्जिंग पे भी लगा देता हूँ, देखो गाइस इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो मैं यहाँ से आपको कंप्लीटली बता रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने चार्जिंग पे लगाया और चार्ज पे लगाने के बाद यहाँ पे अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा है, जो कि यहाँ पे चार्जिंग में हमारा लाइन है। ठीक है, देख सकते हो कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसी तरीके की प्रॉब्लम है, सेल्फी कैमरा ऑन नहीं हो रहा है और ये ऑफ हो गया अभी। ठीक है, चलो तो पहले फटाफट क्या करते हैं, सेट को यहाँ से हम करते हैं ओपन और ओपन करने के बाद आगे देखते हैं इसके अंदर क्या हुआ है काम। तो सिंपली गाइज यहाँ पे देखिए, उन्होंने इसके ऊपर थोड़ा सा सीपीयू पे हिट भी दिया हुआ है, बट गाइज इसको ओपन उन्होंने नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर सिंपली थोड़ा सा ओपन करके केन को उन्होंने थोड़ा सा हिट दिया है कि प्रॉब्लम ठीक हो जाए, बट गाइज इसकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हुई है। ठीक है, तो गाइज आज का ये वीडियो कंप्लीट देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर ये गाइज हल्की सी ब्लैक पेस्टेड होती है गाइज, तो ये सीपीयू को हम बाहर करेंगे और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप रिवॉल्व किया जाता है और क्लीन किया जाता है वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो चलो गाइज फटाफट पहले इसको क्लीन करते हैं और हम चलते हैं सिंपली सबसे पहले अपने माइक्रोस्कोप के ऊपर। तो सिंपली गाइज यहाँ पे हम आ चुके हैं अभी अपने माइक्रोस्कोप के ऊपर गाइज। ठीक है, सबसे पहले गाइज आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लीनिंग कर लेना है, जैसा कि इस पर ऑलरेडी पहले से काम किया हुआ था, यहाँ पे मैंने क्लीन कर लिया है जैसा कि गाइज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसके गाइज यहाँ पे क्वालकॉम का सीपीयू और इसका SM7150 जो इसका सीपीयू का नंबर है गाइज। ठीक है, देखो फ्रेंड, सीपीयू निकालने के लिए सबसे पहले आपको पेशेंस रखना होगा, पेशेंस मतलब बहुत आराम से काम करना होगा। ठीक है, इसके लिए गाइज सबसे पहले आपको जो सीपीयू कटर, जो ब्लैक पेस्टर जिससे हम काटते हैं, जो टूल होता है हमारा, उससे बहुत आराम आराम से करना है आपको, साइड की जो वो पेस्टेड है उसको आपको काटना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा होगा। ठीक है, और गाइज यहाँ पर पेशेंस के साथ साथ आपको आपका हाथ का स्किल मतलब बहुत आराम से काम करना, थोड़ा सा टाइम लेके आपको काम करना है। ठीक है, क्योंकि ये ब्लैक पेस्टेड होता है, अगर आप जबरदस्ती गाइस करते हो तो इनकी प्रिंट डैमेज हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो गाइस किस तरीके से इजी वे में इनके जो सीपीयू है वो बाहर निकल गया है। ठीक है,
आपको हल्का हल्का हिट देना है और हल्के हल्के से आपकी जो प्लेट जो आपका टूल होता है हल्का हल्का उसको अंदर की तरफ डालना है, ठीक है, बहुत स्मूथली तरीके से गाइस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती करना है आपको, ज़बरदस्ती गाइस अगर आप करोगे तो इसका प्रिंट 100% है कि उखड़ जाएगा, फिर आपको गाइस एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर गाइस जिस तरीके से किया जाता है बहुत आराम के साथ आपको करना है, किसी भी फ़ोन के साथ हो, कोई भी ब्लैक पेस्टेड हो चाहे वाइट पेस्टेड हो, वाइट पेस्टेड थोड़ा सा लूज होता है ब्लैक पेस्टेड के हिसाब से, ठीक है। तो आपको हल्का हल्का हाथों से करना है बिल्कुल ही, और जो भी ब्लैक पेस्ट है यहाँ पे उनको आराम आराम से क्लीन करना है जब ये सीपीयू बाहर आ जाए, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से जहाँ जहाँ पे ब्लैक पेस्टेड लगा हुआ है वहाँ पे आपकी सोल्डिंग आयरन भी थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए थी, क्योंकि थोड़ा गर्म होने के वजह से ना इसका जो पेस्ट होता है वो इजी वे में क्लीन होता है। और यहाँ पे गाइज देख सकते हो, मैंने गाइज यहाँ पे जो अपना SMD का टेम्परेचर है यहाँ पे आप देख सकते हो कि बॉल को मैं यहाँ पे क्लीन कर रहा हूँ टूल के मदद से, जो हमारा ये टूल होता है जिससे हम जो ब्लैक पेस्टेड ग्लू को काटते हैं, तो उसके मदद से यहाँ पे 250 गाइज मैंने यहाँ पे जो अपना टेम्परेचर सेट किया हुआ है क्विक, जो हमारा 857 DW+ होता है गाइस उससे, ठीक है। और यहाँ पे आराम आराम से यहाँ पे हम क्लीन करने के बाद गाइस यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट देके आपका जो डीसोल्डिंग वायर होता है उससे आपको हल्का हल्का यहाँ पे क्लीन करना है, ठीक है। मदरबोर्ड को ज़्यादा प्रेस देके आपको स्क्रब नहीं करना है, ज़्यादा साफ नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से करना है, उनकी जो भी ब्लैक पेस्टेड लेयर होती है वो धीरे धीरे साफ हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है कि यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आपको आए, ठीक है। तो चलो आगे आप वीडियो को देखो किस तरीके से हो रहा है। और मेन चीज़ एक चीज़ और, हाँ यहाँ पे कि CPU को गाइज जब उनकी बॉल को क्लीन कर लेते तो गाइज तो भूल से भी वहाँ पे ज़्यादा हाथ को जो प्रेशर होता है हाथ का ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, नहीं तो उन पे स्क्रेच हो जाएगी, बॉल एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएगी। CPU में आपको मेन ज़्यादातर ख्याल रखना है जो जब आप CPU की बॉल या फिर उनकी ब्लैक पेस्टेड होता है उसको जब आप क्लीन करेंगे, ठीक है। तो चलो गाइज आगे आप वीडियो देखिए।
गाइज यहाँ पे जो है हमारा फोन जो इसका सीपीयू वो रिवॉल्व कम्प्लीटली हो चुका है गाइज, ठीक है। तो अभी सिंपली गाइज इसको हम चेक करेंगे, ठीक है गाइज। तो अभी हम सिंपली इसको बाहर कर लेते हैं और गाइज इसको अभी हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं, ठीक है गाइज। तो अभी यहाँ पे इस तरीके से सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मदरबोर्ड है, इसके पे गाइज मैंने जो भी चीज़ें हुई है बिल्कुल आपके सामने लाइव मैंने आपको दिखा दिया है गाइज, ठीक है। अभी आप देखते हैं कि क्या हुआ है फ़ोन का, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे देख लेते हैं साफ है कि नहीं, हाँ ठीक है। तो अभी एक बार हम ऑन करके देखते हैं सेट को, तो सिंपली गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेट हमारा यहाँ पे ऑन हो चुका है, यहाँ पे आपको सिंपली दिख रहा होगा, ठीक है। तो गाइज़ मैंने इसकी जो सीपीयू है उसको मैंने रिवॉल्व कर दिया और रिवॉल्व करके यहाँ पे गाइज़ वो हल्का सा ब्लैक पिस्टेड होता है। अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं कम्प्लीटली गाइज़ हमारा जो सेट है वो ऑन यहाँ पे होता है या नहीं होता, ठीक है। क्यों इसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी मेन, एक तो ये हो रहा था कि ये यहाँ पे आने के बाद ऑफ हो जा रहा था, दूसरी बात यहाँ इसमें ये भी प्रॉब्लम हो रही थी कि इसका जो जो मतलब फ्रंट कैमरा वो भी वर्क नहीं कर रहा था। अभी यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो पावर बाय एंड्रॉइड की जो प्रोसेसिंग होती है नीचे में वो यहाँ पे गाइस चल रही है, ठीक है गाइस। तो चलो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। गाइस जो भी चीज़ें हुई है बिल्कुल लाइव आपके सामने हुआ है। अभी आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे कम्प्लीटली हमारा जो सेट है वो यहाँ पे गाइस ऑन हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो टच भी यहाँ पे गाइस वर्क कर रहा है गाइस, देख सकते हो यहाँ पे आप, ठीक है। तो गाइस इस ब्लैक पेस्टेड है, थोड़ा सा इसको रिवॉल्व करने में थोड़ा सा गाइस इस पर मेहनत लगता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्लीनिंग में आपका गाइस अगर अच्छे तरीके से कर, तो इसमें मैंने थोड़ा सा एक दो बॉल में से टच भी हो गया था सीपीयू का, थोड़ी सी गलती मेरे से इसमें हुई थी, बट फिर भी गाइस यहाँ पे इंशाल्लाह या माशाल्लाह यहाँ पे सेट जो है वो ऑन हो गया, आप देख सकते हो, ठीक है। चलो अभी इसका पहले फटाफट कैमरा वगैरह सेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइज़ यहाँ पे कैमरा वगैरह सारा मैंने यहाँ पे पैक कर दिया है, फ्रंट कैमरा बैक कैमरा जो भी था सबको मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। और हम यहाँ पे फिर से एक बार सेट को ऑन करते हैं क्योंकि मैंने सेट को ऑफ कर दिया था, ऑफ कंडीशन में लगाना है आपको कैमरा। तो चलो यहाँ पे अभी ये फिर से ऑन हुआ, चलो थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पे फिर से कम्प्लीट ऑन होने का। तो गाइज़ यहाँ पे कैमरा सेट हमारा ऑन हो चुका है, ठीक है। अभी हम सिंपली इसका कैमरा को चेक करेंगे एक बार। तो सिंपली गाइज देख सकते हो बैक कैमरा यहाँ पे ऑन हो रहा है, अभी हम फ्रंट कैमरा एक बार ऑन करके देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रंट कैमरा भी हमारा यहाँ पे ऑन होना स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हो गाइज फ्रंट कैमरा भी यहाँ पे ऑन हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा फ्रंट कैमरा भी ऑन होने लगा गाइज, देख सकते हो, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे जो बैक कैमरा फ्रंट कैमरा भी ऑन नहीं हो रहा था और बहुत सारी प्रॉब्लम अभी जो है वो MI के डिवाइस में, पोको के डिवाइस में, सैमसंग के डिवाइस में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जो ज़्यादातर हमारे CPU से प्रॉब्लम आती है गाइज, ठीक है। तो फ्रेंड उम्मीद है कि ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड हम मिलते हैं ऐसे कोई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। Take care. Bye-bye.